ये हमारे पास एक जर्नल ट्री है, इसको हमने वाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम इजीली जो है जर्नल ट्री से जो है वाइनरी ट्री हम बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड ब्रांच पेरेंट टू लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। जो पेरेंट नोड जो है उसके लेफ्ट मोस्ट नोड जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है। जैसे ए जो है वो पेरेंट नोड है, उसके लेफ्ट साइड में जो है बी नोड है। ठीक है, एंड बी यहाँ पे पेरेंट नोड है, उसके लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, ई। उसी तरह से यहाँ पे डी जो है वो पेरेंट नोड है, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, जी। इस साइड लेफ्ट मोस्ट और इस साइड राइट मोस्ट। ठीक है, तो हर पेरेंट नोड का हमें जो है लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सी जो है उसका ना तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है ना ही तो राइट मोस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो पेरेंट नोड है, बी जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, उसी तरह से बी पेरेंट नोड है, देन लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लेफ्ट। उसी तरह से डी जो है पेरेंट नोड है और उसके लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा हमारा, जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट साइड में है ये। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। देन सेकंड स्टेप, कनेक्ट सिबलिंग ऑफ ईच नोड लेफ्ट टू आर। हमें क्या करना है, सिबलिंग्स को कनेक्ट करना है लेफ्ट टू राइट। कनेक्ट सिबलिंग्स लेफ्ट टू राइट में सिबलिंग्स क्या होते हैं, एक ही पेरेंट नोड के जो आगे चाइल्ड होते हैं उनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं। जैसे बी सी डी, ये क्या हुई, सिबलिंग्स हुए। उसी तरह से बी पेरेंट नोड है, उसके आगे कितने चाइल्ड है, ई एफ, तो ये सिबलिंग्स हुए। उसी तरह से डी पेरेंट नोड है, जी एच आई जो है उसके सिबलिंग्स हुए। तो हमने सिबलिंग्स को लेफ्ट टू राइट जो है वो कनेक्ट करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिबलिंग्स को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट साइड, क्योंकि ये राइट साइड पे है। ठीक है, यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करेंगे, इन सिबलिंग्स को भी हम लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करेंगे और ये राइट साइड आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लिख देंगे राइट साइड और यहाँ पे भी राइट साइड। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिलीट ऑल द लिंक। बाकी जितने भी लिंक जो है उनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, कौन से लिंक हम रहने देंगे, जो एक पेरेंट नोड से जो लेफ्ट मोस्ट नोड जो है वो वाला लिंक, और जो सिबलिंग्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं, बाकी लिंक जो हमने क्या करने हैं, बाकी लिंक हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इनको जो है इरेज कर दो। ठीक है, इन लिंक्स को हम क्या करेंगे, बाकी लिंक्स को हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, हमारा ट्री जो है इस तरह से बन जाएगा। देन लास्ट स्टेप क्या हमारा, रूट ऑफ द जर्नल ट्री इज द रूट ऑफ बाइनरी ट्री। जो बाइनरी ट्री हमने बनाना है उसका जो रूट नोड जो होगी सेम, रूट नोड सेम होगी, जो जर्नल ट्री की रूट नोड होगी वही बाइनरी ट्री में जो है वही रूट नोड होगी हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे और हमारा बाइनरी ट्री बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ए के लेफ्ट साइड में कौन सी नोड है, बी नोड है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड वी का लेफ्ट साइड है और इस साइड राइट साइड है, तो ए के लेफ्ट साइड में है, तो ए के लेफ्ट साइड में हमारी कौन सी नोड आ गई, बी। ठीक है, अब बी के लेफ्ट साइड में कौन सी है, ई। ठीक है, दिस इज ई। आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, लेफ्ट साइड है तो एल और राइट साइड है तो आर। ठीक है, बी के लेफ्ट साइड में ई नोड थी, अब यहाँ पे ई के जो राइट साइड जो है वो कौन सी नोड है, एफ। ई के राइट साइड में कौन सी नोड है, एफ। ठीक है, ये ई के राइट साइड में आ गई एफ नोड। अब हमने लेफ्ट साइड जो है वो सारी ही कंप्लीट कर ली, अब हम क्या करेंगे, बी से राइट साइड मूव करेंगे, बी के राइट साइड में कौन सी नोड है, सी नोड है, तो सी जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सी के राइट साइड में कौन सी नोड है, डी, तो डी जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन डी के लेफ्ट साइड में कौन सी नोड है, जी। डी के लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो डी के लेफ्ट साइड में कौन सी नोड है, जी। ठीक है, एंड जी के राइट साइड में कौन सी है, एच, तो ये क्या कौन सी साइड आएगी, राइट साइड, एच। उसी तरह से एच के राइट साइड में कौन सी नोड है, आई, तो ये कौन सी साइड आएगी, आई। ठीक है, दिस इज वाइनरी ट्री। ठीक है, हम इन स्टेप्स को फॉलो करके काफ़ी इजीली जो हम जनरल ट्री से बाइनरी ट्री बना सकते हैं।
तो दिस इज द बाइनरी ट्री, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डिग्री ऑफ एवरी नोड जो है वो दो या दो से कम होगी, ठीक है। मीन्स कि जो पेरेंट नोड जो है आगे उसके दो चाइल्ड होंगे या दो से कम होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए का एक चाइल्ड है डेट इज बी, यहाँ पे बी के टू चाइल्ड है ई और सी, ठीक है। यहाँ पे ई का एक चाइल्ड है डेट इज एफ, यहाँ पे सी का एक चाइल्ड है डी। तो डिग्री ऑफ एवरी नोड जो है वो दो होगी या दो से कम होगी, तो दिस इज द बाइनरी ट्री। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी ट्री एंड जनरल ट्री, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर उसको देख ले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।